बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल महफिल फूड पॉइंट। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम केक लवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी केक लेके आए हैं। ये बनाना कॉफ़ी केक है जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है और बहुत ज़्यादा स्पंची बना है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें बनाना का भी जायका आ रहा है और कॉफ़ी का भी, तो बहुत ज़्यादा हमारा मज़ेदार केक तैयार हुआ है और विदाउट ओवन हमने तैयार किया है। आप इस तरह ओवन के बगैर घर में चीज़ें तैयार कर सकते हैं और इसका कलर भी ऊपर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। जैसे ओवन में बेक होता है केक, इस तरह का ऊपर से भी इसका कलर आया और अंदर तक ये बेक हुआ हुआ है। ये देखिए, हम इसको कटिंग करके भी दिखा रहे हैं। ये अभी बहुत गर्म है लेकिन हमने इसको कटिंग किया है, बहुत एहतियात से इसको कटिंग करना है। ये इतना स्पंची और सॉफ्ट केक बना है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और आप इसी रेसिपी से कप केक भी तैयार कर सकते हैं जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। एक पीस हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा स्पंची और सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है और इसमें जो कॉफ़ी का टेस्ट है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक अंडा लिया है, आधा कप हमने चीनी लिए, दानेदार चीनी है, एक कप हमने मैदा लिए, इसमें कॉफ़ी लिया हमने, आधा कप हमने ऑयल लिए और इसमें चार अदद हम केले लेंगे। केले बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं तो हमने चार लिए। अगर बहुत बड़े साइज़ के केले हों तो आप उसमें एक भी ले सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के केले भी होते हैं तो उसमें एक लेंगे आप। अगर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं तो फिर आप चार लेंगे। केले को हमने छील लिए, इस तरह हम कटिंग कर लेते हैं इसको। इसको पहले हमने वॉश कर लिया था, वरना जो सारी मिट्टी वगैरह वो हाथों पे लग जाती है। केले हमने कटिंग कर ली है, इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। ये भी तकरीबन एक कप केले बने हैं। अगर आप बड़े साइज़ का केले लेंगे तो इस चार की जगह आप एक ले लें। ये आधा कप ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया, ये कॉफ़ी का साशे एक वो डाल देते हैं इसमें, आधा कप चीनी लिए हमने, एक अंडा इसमें शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कम चीनी यूज़ करते हैं तो आप इसमें चीनी यहाँ पर कम भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आए और चीनी का कम आए तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी कम कर दें तो इसमें कॉफ़ी का टेस्ट ज़्यादा आएगा। यहाँ पर एक साचे हमने और इसमें ऐड कर दिए। ये हमारा बैटर तैयार हो गया बहुत अच्छा सा। अब हम मैदे को छान लेते हैं। एक कप मैदा लिया हमने, उसको छलनी में डाल देंगे। चार से पांच चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया है और बेकिंग पाउडर लिया हमने। बेकिंग सोडा से आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और चार से पांच चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया इसमें। मैदा हमने छान लिया, सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
मैदा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। इस रेसिपी में कॉफ़ी 1 टीस्पून है, लेकिन मैंने इसमें 2 साशे डाले हैं क्योंकि मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप 1 डालना चाहते हैं 1 साशे इसमें डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 डाले हैं तो 2 का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो आप यहाँ पर 2 साशे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पैन लिया हमने, पैन को हमने ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लिया हमने, इसी साइज़ में हमने कटिंग किया हुआ है वो भी हम इसके साथ चिपका देंगे, और बटर पेपर के ऊपर भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर आपका इतना ही थिक होना चाहिए तो आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। ऊपर से हम चॉकलेट चिप्स इसमें डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ इसकी लुक अच्छी करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। ऊपर से पतीले को हमने प्री हीट किया हुआ है 10 से 15 मिनट के लिए। ऊपर ढक्कन तक हमारा पतीला गर्म हो गया, इसको ढक के रख देते हैं। ये 35 से 40 मिनट में हमारा केक बेक हो गया। इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे बेक किया है, इसको चेक कर लेते हैं। 40 मिनट हो गए हमारे केक को, तो ये अंदर से बिल्कुल ड्राई निकला है। आपका केक 30 मिनट में भी तैयार हो सकता है, 30 मिनट में, 35 में या 40 में तैयार हो सकता है। मैंने हल्की आंच पे रखा था तो ये 40 मिनट में बेक हुआ है। अगर आप इसको बनाएं तो आप 30 मिनट बाद चेक कर लें, अगर थोड़ी सी उसमें कसर हो या थोड़ा सा कच्चा हो तो उसको 10 मिनट और रख लें तो अंदर तक वो बेक हो जाएगा। बटर पेपर उतार लेते हैं इसको, और इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर आया नीचे। हमारा केक बिल्कुल भी जला नहीं है, बिल्कुल अच्छा इसका ब्राउन कलर आया है और साइडों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंची है। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पंची हमारा केक तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इतना ज़बरदस्त केक है कि आप किसी इवेंट पे अपने दोस्तों को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा उनको। या आपके घर कोई मेहमान आ रहे हो तो आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा, और वैसे भी आप इसको बना के खा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसी रेसिपी से आप कप केक भी तैयार कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आपको हमारी कॉफ़ी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आएगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और हमारा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।